Good afternoon, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Can you hear me? Awaaz aa rahi hai? Good afternoon, all of you. Can you hear me? We can start. Okay. So Bank Nifty 39,200 आ गया क्या? Bank Nifty आ गया 39,200. ये पुट में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया होगा, प्लीज रिप्लाई. 340 का टारगेट दिया था, 290 एंड 340 दोनों टारगेट अचीव हुआ है, यस और नो? हम लोगों ने राइट एनालिसिस किया, प्रॉपर एनालिसिस किया. यूपीएल सेल दिया था, इसमें भी प्रॉफिट आया होगा. यूपीएल सेल दिया था, इसमें भी प्रॉफिट आया होगा मिस्टर आशीष. एसबीआई सेल दिया था, इसमें भी आपको प्रॉफिट आया होगा. 525 तक जाके आया. ये भी तीन ही ट्रेड दिए मैंने, बैंक निफ्टी का पुट बाय दिया उसमें प्रॉफिट आया, यूपीएल सेल दिया था इसमें प्रॉफिट आया, और एसबीआई सेल दिया था इसमें प्रॉफिट आया, यस और नो प्लीज रिप्लाई. करेक्ट, ठीक है. अभी थोड़ा सा वेट करेंगे. आपने अगर ऑब्जर्व किया, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया, मैंने एकदम लेट ट्रेड दिया है. वेट किया, वेट किया, वेट किया, उसके बाद एकदम लेट ट्रेड दिया है. जब कंफर्मेशन आया तब ट्रेड लिया है, करेक्ट? तो आर वी डूइंग राइट एनालिसिस? हम लोगों ने राइट एनालिसिस किया, गलत डायरेक्शन में नहीं फंसे. आई होप समझ में आ रहा है, प्लीज रिप्लाई. गलत डायरेक्शन में नहीं फंसे, राइट एनालिसिस किया, राइट डायरेक्शन में गए, राइट? और मैंने आपको बोला भी था ये 39,200 तो आना ही आना है. अगर 39,200 ब्रेक करता है तो 39,000 भी टेस्ट कर सकता है, यस और नो? यही मेरा मॉर्निंग वेबिनार में वर्ड्स था, यही एनालिसिस किया था. आप देख सकते हो क्या लो बनाया, 39,119 का लो बनाया, करेक्ट. अभी सिर्फ बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी ओपन है, निफ्टी लॉन्ग वीकेंड वाला स्ट्रैटेजी भी स्क्वेयर ऑफ कर दिया है, प्लीज कंफर्म. निफ्टी का लॉन्ग वीकेंड वाला स्ट्रैटेजी भी स्क्वेयर ऑफ कर दिया है, उसमें भी प्रॉफिट आया होगा, आई एम श्योर उसमें भी प्रॉफिट आया होगा, उसमें मार्जिन भी फ्री हुआ होगा आपका, प्लीज रिप्लाई. उसमें भी प्रॉफिट आया होगा, मार्जिन भी फ्री हुआ होगा. बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी का 8,000 के आसपास एमटीएम है क्या पर लॉट, प्लीज कंफर्म. बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी का 8,000 के आसपास एमटीएम है पर लॉट. मिस्टर दिव्य निवार, मिस्टर पंकज, मिस्टर सोहन साहू, मिस्टर आशीष, यस और नो? एनजी तो ऊपर ही जाएगा मिस्टर दिव्य निवार, एनजी तो ऊपर ही जाएगा. एनजी का थोड़ा ब्रेकआउट अच्छा ही है, पर एनजी ऊपर ही जाने के चांसेस है. एनजी शॉर्ट वॉट मत कर देना, हाँ एनजी को शॉर्ट वॉट मत करना. हाँ थोड़ा सा ऊपर जाने दो, 750 तक जाएगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा, तब एग्जिट करना है, ठीक है? मैसेज का वेट मत करना, 750 इज आवर टारगेट. 750 के आसपास आया, वी विल एग्जिट, एकदम सिंपल है, प्लीज कंफर्म. 750 के आसपास आया, वी विल एग्जिट. पूरा पूरा एग्जिट कर देना है, कुछ भी नहीं रखना है, पूरा एग्जिट कर देना है. नो, फ्रेश ट्रेड इज नॉट देयर इन नेचुरल गैस मिस्टर मुथु रमन. आई विल व्हाट्सएप यू फ्रेश ट्रेड, बट देयर इज नो फ्रेश ट्रेड इन नेचुरल गैस, करेक्ट? आई होप यू मेड सम प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन मिस्टर मुथु रमन. Those were options buyer, Mr. Venkatesh, Mr. Muthuraman, Mr. Aditya, Mr. Dheeraj. Those were options buyer. जितने भी options buyer है, I am sure आपने profit किया होगा, correct? थोड़ा सा wait करेंगे, 3 बजे के candle को respect करेंगे, 2:45 के बाद थोड़ा stock scanning चालू करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा wait and watch करते हैं, market को थोड़ा analysis करते हैं. अगर Bank Nifty, ध्यान से सुनना, अगर बैंक निफ्टी 39,400 वापस रिकवर कर लेता है, वहां तक निफ्टी 17,850 तक चला जाता है, अगर 850 या
देन थर्सडे तक का टारगेट होगा 18,000 तक का, इज दैट पार्ट क्लियर? 18,000 तक का टारगेट होगा फिर, करेक्ट? नोट डाउन कर लेना, 17,850 के ऊपर निफ्टी जाना चाहिए एंड 39,400 के आसपास तक वापस बैंक निफ्टी आना चाहिए, तो हमारा टारगेट निफ्टी का होगा 18,000 तक का, ठीक है? थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे इसको। ये सब स्टॉक्स को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, हीरो मोटो रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ, ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड एसबीआई भी हम लोग ने एग्जिट कर दिया है। ओएनजीसी पे थोड़ा सा ध्यान देना, 140 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो वापस बाय रहेगा ओएनजीसी, 140 के ऊपर अगर क्लोज हो रहा है तो वापस बाय रहेगा ओएनजीसी, तो ओएनजीसी पे थोड़ा ध्यान देंगे। नहीं, क्रूड ऑयल में कोई ट्रेड नहीं आया, थोड़ा वेट कर लो, क्रूड ऑयल में अभी तक कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है? क्रूड ऑयल में कोई ट्रेड नहीं है, क्रूड ऑयल में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मारुति, मारुति चलो देखते हैं ये। मारुति में ये सेल आया था, काफी अच्छा सेल आया था, इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एंड इसने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ठीक है? और रुचिराम मिस्त्री, एंड ओवरऑल मार्केट इज बुलिश। मैं वापस बोल रहा हूँ, 17,850 17,850 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता है तो 200-300 पॉइंट का रैली निफ्टी में और आ सकता है, ठीक है? अगर निफ्टी में रैली आता है तो मारुति वगैरह भी थोड़ा चलेगा, ठीक है? मतलब ऊपर की तरफ ही ध्यान देना है, पैटर्न बना है बुलिश एंगल्फिंग लेकिन ऊपर की तरफ बना है तो उतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर 17 निफ्टी सपोर्ट करना चाहिए, 850 के आसपास क्लोज हुआ ना, देन बैंक निफ्टी भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है? एनटीपीसी, एनटीपीसी में ठीक है, देखते हैं। नहीं मिस्टर दिवेनवार, ये बॉक्स में ही है एनटीपीसी, इसमें अभी फिलहाल ट्रेड मत लो, रेंज में ही है, बॉक्स में ही है ये वाला लेवल क्रॉस होना चाहिए, 160 के ऊपर बाय रहेगा, अभी नहीं, 160 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन है मिस्टर दिवेनवार, 160 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन है, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, हाँ 160 का वेट करो, उसके बाद ट्रेड लो। मार्केट थोड़ा सा अभी साइडवेज है, एज पर ऑप्शन डेटा भी एंड एज पर दिस बैंक निफ्टी के डेटा के हिसाब से भी साइडवेज लग रहा है थोड़ा। 3 बजे के आसपास, 850 के आसपास अगर क्लोज हो जाए तो फिर वापस क्लियरली बुलिश हो जाएगा, ठीक है? तो 17,850 बहुत क्रूशल लेवल है निफ्टी के लिए। मैंने आपको मॉर्निंग में भी बोला था, अगर आपको याद है, 17,800 17,850 ये रेजिस्टेंस एरिया है, यस और नो? खुलते ही मैंने आपको यही बोला था, याद है? वेबिनार के स्टार्ट में ही मैंने आपको ये बोला था कि 17,800 17,850 ये रेजिस्टेंस के आसपास ही ओपन हो रहा है, पर बैंक निफ्टी में ज्यादा सेल ऑफ हमें देखने मिला, एसबीआई गिरने लगा था, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी का पुट बाय दिया। एनालिसिस हम लोग निफ्टी ही कर रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी का ट्रेड हमें मार्केट ने दिया, मार्केट ने हमें ट्रेड दिया, तो इसीलिए हम लोग ने ट्रेड लिया। एकदम सिंपल, आपको मार्केट जो ट्रेड दे रहा है ना वो लेना है, आपको खुद को जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। मिस्टर आशीष, मिस्टर आदित्य, समझ में आ रहा है? खुद को जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है, लेट्स वेट, मार्केट को ही ट्रेड देने, मार्केट को ट्रेड देने दो, आपको मार्केट अपने आप ट्रेड देगा, मार्केट अपने आप आपको बताएगा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करना है। कई लोग जैसे रिटेल ट्रेडर एकदम जंप करने लग जाते हैं, 9:20 को ट्रेड लेते हैं, ऐसा लगता है उनको कि 9:25 को उनका रैली मिस हो जाएगा, ठीक है? तो वैसा हड़बड़ाहट में ट्रेड नहीं लेना है, जल्दी जल्दी में ट्रेड नहीं लेना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के जैसे मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? ज्यादातर रिटेल, यस यस, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर वो यूट्यूब के वीडियोस पे जाते हैं,
9:15 का स्ट्रेटजी, 9:20 का स्ट्रेटजी, 9:18 का स्ट्रेटजी, और वो सब चक्कर में वो लोग फंस जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है। वेट करेंगे, मार्केट को डायरेक्शन बताने दो, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेट मार्केट डिसाइड द डायरेक्शन एंड वी विल जस्ट फॉलो द डायरेक्शन, दैट्स इट। हम लोग सिर्फ डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। बैंक निफ्टी या तो 39,000 ब्रेक कर दे तो भी चलेगा, ठीक है, और या फिर निफ्टी 750 ब्रेक कर दे तो भी चलेगा, ऐसा है, तो देखते हैं। इसमें कई लोग फंसे हुए हैं आईपीओ में, मिस्टर दिवेनिवार, कई लोग आईपीओ में फंसे हुए हैं इसमें। यस, एलआईसी में रैली आएगा, अभी रैली आएगा भी तो सस्टेन करने के चांसेस कम है क्योंकि सेलर ज्यादा है। रैली आएगा भी ना तो सस्टेन करने के चांसेस कम है क्योंकि सेलर ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, वोल्टास में कोई ट्रेड ओपन है? वोल्टास में हमारा कुछ स्ट्रेटजी वगैरह ओपन है, उसमें क्या एमटीएम है जरा बता सकते हो? वोल्टास अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो क्या एमटीएम है? व्हाट इज द एमटीएम? एमटीएम कितना है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें? एमटीएम क्या है वो, एमटीएम बता दो उसमें बस। आई थिंक मेरे हिसाब से ये 3 बजे बाद मूवमेंट करेगा, ठीक है, और सिनारियों के हिसाब से 1080 के आसपास प्रॉफिट है ना मिस्टर देवेनिवर? हम लोगों ने आई थिंक लैडर वगैरह में कन्वर्ट किया था इसको। ठीक है, ठीक है, बैंक निफ्टी का किसी ने ट्रेड किया हुआ है? व्हाट इज द एमटीएम? बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी अगर कोई ट्रेड किया हुआ है तो व्हाट इज द एमटीएम? यस, उसका एमटीएम बता दो बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी का। मुझे थोड़ा सा मार्केट ट्रिकी लग रहा है, अगर ये 750 ब्रेक करता है ना तो नीचे आएगा, ठीक है, और 850 अगर क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 18,000 आपको थर्सडे तक मिल जाएगा, तो थोड़ा सा ट्रिकी है मार्केट। 750 ब्रेक करता है तो 17,500 का टारगेट आता है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 17,750 अगर ब्रेक कर रहा है तो 17,500 तक का टारगेट आएगा फिर, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही है। हाँ, स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं, 245 हो चुका है, एक बार स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सा स्टॉक रेडार पे आ रहा है, चेक कर लेते हैं जरा। अदानी पोर्ट चला है, अदानी पोर्ट हम लोग ने मॉर्निंग में आई थिंक डिस्कस किया था, अदानी पोर्ट चला है, एचडीएफसी लाइफ में फ्रेश ब्रेकआउट आया, ठीक है, मारुति में भी आया है और बीपीसीएल में भी आया है, क्या बात है, बीपीसीएल में भी फ्रेश ब्रेकआउट आया है। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, बीपीसीएल, ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें काफी अच्छे ब्रेकआउट्स आए हैं। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी एंड बीपीसीएल, अदानी पोर्ट, ये चार स्टॉक्स में बड़ा ब्रेकआउट आया,
ट्रेड में आपको मैसेज करूंगा, पहले थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं ना चारों स्टॉक्स को। इसमें तो बीबी चैलेंज है और सामने यहाँ पर, अच्छा ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, दिखा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, यस और नो प्लीज रिप्लाई। ट्रेंड लाइन ब्रेक किया ये दिख रहा है मिस्टर देवेनवार? बीबी चैलेंज है इसमें डेली चार्ट पे, बैंड एक्सपांड हो रहा है, बैंड एक्सपांड हो रहा है तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा मार्केट वॉच में ऐड करके रखो। निफ्टी भी देखो थोड़ा मूवमेंट चालू हुआ, मैंने आपको बोला 3 बजे के बाद मूवमेंट आएगा निफ्टी में। 17,850, वापस मैं बोल रहा हूँ 17,850 के आसपास अगर क्लोजिंग आया तो थर्सडे तक आपको 18,000 मिल जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना। HDFC AMC में भी ब्रेकआउट है, यस ब्रेकआउट है इसमें भी, बट आई विल प्रेफर HDFC लाइफ बेटर कंपेयर टू HDFC AMC बिकॉज ये ऑलरेडी 11-12% भाग चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार रिमूव करेंगे। BPCL देखते हैं, BPCL में क्या हो रहा है, क्लियर ब्रेकआउट है, क्लियर ब्रेकआउट है, ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस है, ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस क्रॉस किया है BPCL ने। BPCL चलेगा, वन साइडेड चलेगा, इजीली 10% का रैली तो इजीली लग रहा है BPCL में, 10% का रैली है इजीली लग रहा है, ठीक है। एंड अदानी पोर्ट चेक कर लेते हैं, अदानी पोर्ट में अभी तक ब्रेकआउट उतना कंफर्म आया नहीं है, लेट इट क्लोज अबाउ 823, 823 के ऊपर क्लोज होना चाहिए तो ही बाय करना है, ठीक है। तो अभी कंफर्मेशन के हिसाब से बात करें तो ओनली BPCL इज अ वेरी गुड बाय ट्रेड, सिर्फ एक BPCL अच्छा बाय है, बाकी कोई अच्छा बाय नहीं है, ठीक है, वेट एंड वॉच ही है। सो 3 बजे का कैंडल को रेस्पेक्ट करेंगे एज पर आवर रूल, जो हमारा रूल है, और उसी के हिसाब से ट्रेड लेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? मॉर्निंग में हम लोग 10 बजे के कैंडल को रेस्पेक्ट करते हैं, आफ्टरनून में हम लोग 3 बजे के कैंडल को रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। 3 PM का जो कैंडल है उसमें जो क्लोजिंग आएगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, उसके हिसाब से ही हम लोग स्टॉक्स में ट्रेड लेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, ट्रेड मैंने नहीं दिया अभी तक, सिर्फ एनालिसिस किया है, ट्रेड मैं आपको व्हाट्सएप पे करूंगा, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड मैंने नहीं दिया है। सिर्फ एक BPCL कंफर्मेशन बाय है, बाकी कोई कंफर्मेशन बाय वाला ट्रेड नहीं। IEX देखते हैं, IEX थोड़ा सा तो खराब ही IEX है, ये 175 के आसपास, 175 के आसपास क्लोज होना चाहिए ये तो चलेगा, ये तो ये वापस 200 के ऊपर जा सकता है, 175 के ऊपर क्लोज होना चाहिए IEX डेली चार्ट पे तो जाएगा ऊपर ये, हाँ वो क्लोज होना चाहिए, उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए 175 के ऊपर, वही लेवल रेजिस्टेंस है सर देवेनवार, वही लेवल रेजिस्टेंस है 175, वो क्लोज होना चाहिए उसके ऊपर। 1 मिनट और थोड़ा स्टॉक स्कैनिंग करते हैं, देखते हैं और कोई स्टॉक आ रहा है क्या रडार पे। निफ्टी टिक रहा नहीं है, या तो ये 750 ब्रेक करेगा, तो मैंने आपको टारगेट दिया 17,500, राइट, वो भी मैंने आपको बोल दिया कि 17,500 तक जा सकता है फिर ये, तो निफ्टी थोड़ा सा टिक रहा नहीं है। SBI और SBI और दे रहा है, SBI और दे रहा है, 526 डे लो पे आ चुका है SBI, SBI और फॉल दे रहा है, TCS ऑल फॉर दे रहा है, भारतीय एयरटेल जा रहा है, क्या बात है, भारतीय एयरटेल भी जा रहा है, TCS भी जा रहा है, सब जा रहा है, ये सब बड़े बड़े स्टॉक्स अगर गिरेंगे, कोटक भी गिर रहा है, सन फार्मा भी गिर रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम है, कोटक भी गिर रहा है, कोटक बैंक तो लोअर बैंड को चैलेंज करने आ चुका है, थोड़ा सा साइन सही नहीं है, क्योंकि SBI और कोटक अगर जाएगा ना तो बैंक निफ्टी फिर और लो बनाएगा, और बैंक निफ्टी लो बनाएगा तो निफ्टी ज्यादा देर ऊपर रह नहीं सकता है, निफ्टी भी गिरना ही गिरना है। बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी का MTM बता दो ना मुझे,
Mr. PV Murthy, Mr. Ansar Khalifa, what is the MTM? Bank Nifty strategy का मुझे MTM बता दो बस. उसमें थोड़ा सा ट्रिकी मूवमेंट है, ट्राई करेंगे 10,000 15,000 के आसपास अगर मिल रहा है, 10 से 15,000 के बीच में, तो वी विल एग्जिट पर लॉट, पर लॉट वाइज. ठीक है, 12 से 15,000 के बीच में, 12,000 टू 15,000 इफ MTM top MTM profit in between that you have to square off. Is this part clear? 12 से 15,000 के बीच में कहीं पे अगर profit दिख रहा है आपको bank nifty strategy में, तो immediately आपको square off कर देना है. फिर मेरा message वगैरह का कुछ भी wait नहीं करना है. ठीक है, per lot wise, per lot wise, yes. तो जिसने अगर दो lot किया तो उनका MTM 24 से 30,000 के बीच में होना चाहिए. हाँ, प्लस प्लस ऑब्वियसली प्लस है, 8,000 प्लस है, राइट. कुछ लोगों ने क्या नए लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया ना, तो उनको बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी के बारे में पता नहीं है, तो दे आर आस्किंग 1,000 प्लस है या माइनस है. तो 1,000 प्लस है, वो अभी 12,000 से 15,000 के बीच में स्क्वायर ऑफ करना है. ट्रेड नहीं है, सिर्फ बीपीसीएल बाई है और कोई ट्रेड नहीं है. थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेके जाएंगे. इंट्राडे में काम हो चुका है, यस और नो? इंट्राडे में हमारा काम हो चुका है. अगर अभी डायरेक्शन नहीं मिलता है तो कल फ्रेश एनालिसिस करेंगे मॉर्निंग में, जैसे आज किया था, करेक्ट? बट जबरदस्ती कैरी फॉरवर्ड करके ट्रेड लेके नहीं जाएंगे, जबरदस्ती कैरी फॉरवर्ड करके ट्रेड लेके नहीं जाना. हाँ, 750 ब्रेक होता है तो थोड़ा सा बेरिश भी हो जाएगा एंड 17,500 तक आ सकता है. तो 750 के आसपास क्लोज हो तो अलग देखेंगे, अलग भी हो जाएगा थोड़ा. और 17,850 के आसपास अगर क्लोज हो रहा है तो फिर बुलिश भी रहेगा. तो वेट एंड वॉच ही है, 3:15 तक वेट एंड वॉच करना पड़ेगा आज. पर जबरदस्ती ट्रेंड नहीं लेंगे, जितने भी नए लोग हैं मैं आपको पहले ही बताता हूँ, इंट्राडे में मॉर्निंग में काम हो चुका है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना हमें. ट्रेड मिलेगा, लेवल्स ब्रेक होगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कल फ्रेश एनालिसिस करेंगे. ONGC 140 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए. ब्रेक तो कर रहा है, लेट्स सी, देखते हैं. 9 मूविंग एवरेज है, 17,765 ब्रेक करेगा तो ये 17,700 तक भी आ सकता है. ठीक है, वेट ही करो, अभी तक तो वेट ही करो, कुछ नहीं, ट्रेड नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो. सर आंसर, आर यू देयर इन द वेबिनार? आंसर खलीफा वेबिनार में हो? नहीं आया थिंक, सर आंसर नहीं है. ठीक है, स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं जरा, और कोई स्टॉक आया है तेरा डार पे, मिड कैप स्टॉक देख लेते हैं, अगर कोई मिड कैप काउंटर है क्या. टाटा मोटर्स आ रहा है, क्या बात है, बाय में. टाटा मोटर्स बाय में आ रहा है, टाटा मोटर्स में बड़ा मूवमेंट आया है क्या आज, बड़े काफी वॉल्यूम के साथ बाइंग है, क्या बात है. टाटा मोटर्स देखेंगे, गुजरात अलकली देखेंगे. टाटा मोटर्स अभी बाय आया है, ये देखते हैं हम लोग. और एक और स्टॉक आया है, गुजरात अलकली. पहले एनालिसिस करेंगे उसके बाद ट्रेड लेना है, जंप नहीं करना है. अभी मैंने बोला टाटा मोटर बाय आ रहा है, इसका मतलब जंप नहीं करना है. ठीक है,
पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। गुजरात अल्कली सियरा, टाटा मोटर्स देख लेते हैं, ब्रेकआउट है, आंसर इज यस है, बट थोड़ा सा निफ्टी को भी सपोर्ट करने दो। ठीक है, गुजरात अल्कली में भी है, नहीं है, नहीं है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, तो ये एरिया तो रेजिस्टेंस है अल्कली के लिए, गुजरात अल्कली के लिए रेजिस्टेंस एरिया है, सप्लाई एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया सप्लाई जोन में है गुजरात अल्कली, नहीं ट्रेड लेना है, ट्रेड मत लेना, सिर्फ एक टाटा मोटर आ सकता है अगर निफ्टी सपोर्ट करता है तो देखते हैं। मेरा थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, 18,000 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना प्रॉफिट, 18,000 नेचुरल गैस में मेरा ट्रेड ओपन है, बाकी दूसरे इसमें ये अकाउंट में अपना बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी वगैरह दूसरे अकाउंट में। एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिस्टर आशीष, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ वेबिनार में, बट ट्राई करो कि आप टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ले लेना, क्योंकि उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी वेबिनार में स्टूडेंट है ना, सब लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शंस लेवल 2 ये 2 कोर्स किया हुआ है, तो उनको सारे कंसेप्ट पता है, सारी स्ट्रेटेजीज पता है, तो आप थोड़ा पीछे नहीं, पीछे मत रहना। ठीक है, हाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको एक बार वापस बताता हूँ, ध्यान से देखो, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से मार्केट ने बड़ा फॉल दिया है, जैसे ये एक पॉइंट है, जैसे गुजरात अल्कली, यहां से बड़ा फॉल दिया है क्या, प्लीज रिप्लाई, बड़ा फॉल दिया है कि छोटा फॉल है, बड़ा फॉल है, सो दिस बिकम्स व्हाट, ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अभी जैसे ये लेवल है, ये लेवल से बड़ा बड़ा अपमूव दिया है क्या, बड़ा अपमूव दिया है, ज्यादा ऊपर गया है ना, तो ये क्या बन गया, सपोर्ट लेवल बन गया, इतना समझ में आ रहा है। अभी चलो ये मुझे बताओ, ये क्या लेवल है, कैन एनीवन टेल मी, सपोर्ट है क्या, रेजिस्टेंस है, ये क्या लेवल है, व्हाट इज दिस लेवल, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने टच किया है और फिर एक बड़ा मूवमेंट आया है, समझ में आ रहा है, करेक्ट, तो आपको ऐसा मूवमेंट देखना, ऐसा मतलब लेवल देखना है जहां पे टच होके जोर से गिरा है, ज्यादा गिरा है, या फिर जहां पे टच होके जोर से भागा है, तो ज्यादा जोर से ऊपर गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग डेली चार्ट पे देखते हैं, चलो निफ्टी का भी देखते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा और मुझे बताना ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है सर आशीष, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, कम से कम 5-10% का तो मूवमेंट आना चाहिए ना मिस्टर आशीष, यस और नो, बड़ा फॉल बड़ा राइज मतलब कम से कम 5-10% का तो मूवमेंट आना चाहिए, ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट है, देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया है, कितना बड़ा मूवमेंट आया है, रेजिस्टेंस है तो कितना बड़ा फॉल आया है, रेजिस्टेंस बना तो कितना बड़ा फॉल आया है, दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई, ये 1500 पॉइंट का फॉल है, 1500 पॉइंट का फॉल है निफ्टी में, करेक्ट, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। यस, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना नॉर्मली ध्यान से देखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट हमेशा नॉर्मली वी शेप में बनता है, मतलब रिकवरी फास्ट आता है सपोर्ट पे टच होके, ठीक है, वी शेप में बनेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा उल्टा वी बनता है, ऐसा उल्टा वी, ये भी समझ में आया कंसेप्ट, प्लीज रिप्लाई, रेजिस्टेंस जो है वो उल्टा वी बनता है, उल्टा वी, और सपोर्ट जो है वो वी शेप में बनेगा,
correct? Yes. देखो मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया, मैंने 3 बजे के कैंडल का वेट किया, कोई ट्रेड नहीं दिया मैंने, 3 बजे के कैंडल का हम लोगों ने वेट किया है। अभी मुझे बताओ 3 बजे का कैंडल 17,800 के ऊपर है क्या, 17,800 के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। अगर ये और ऊपर जाता है, कंटिन्यू करता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 840 850 का लेवल आता है तो बुलिश हो जाएगा, अगर वो जाता है तो क्लियरली बुलिश भी हो जाएगा, करेक्ट? समझ में आ रहा है? यस। अभी तक गया है क्या? जो ऊपर का लेवल मैंने आपको बताया वो ब्रेक हुआ है, ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है? ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, तो अभी भी वेट एंड वॉच है क्या? अभी भी वेट एंड वॉच है मिस्टर आशीष, मिस्टर धीरज, अभी भी वेट एंड वॉच है, राइट? जबरदस्ती ट्रेड लेंगे ही नहीं हम, जबरदस्ती ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। हमारा जो लेवल ब्रेक होगा ना, या तो ऊपर का बाइंग लेवल ब्रेक होना चाहिए या फिर नीचे का सेल लेवल ब्रेक होना चाहिए। लेवल ब्रेक होगा तभी ट्रेड लेंगे, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। हाँ चाहिए तो फ्रेश एनालिसिस कल सुबह करेंगे, फिर बाद में ट्रेड लेंगे, करेक्ट? चाहिए तो फ्रेश एनालिसिस कल सुबह लेंगे, फिर बाद में ट्रेड लेंगे, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस पे वेट करेंगे ब्रेकआउट या फॉल का। अभी देखो मुझे एक बात बताओ मिस्टर आशीष निगम, ये डेली चार्ट है निफ्टी का, ठीक है, ये डेली चार्ट है निफ्टी का। अभी मुझे बताओ ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है? क्या है ये, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस है। इसको ऐसे मार्क कर लूं क्या मैं, इसको ऐसे मार्क कर लूं मैं? कर लिया। यहां तक जा सकता है क्या ये? क्या लेवल आ रहा है ये? 18,100 तक। तो अगर ये यहां से ऊपर जाना चालू होता है तो ये रेजिस्टेंस को टच कर सकता है? कर सकता है। मैंने आपको टारगेट दिया 18,000 का, 17,850 अगर क्रॉस करेगा तो मैंने आपको 18,000 का टारगेट दिया, पहले ही मैंने आपको दे दिया ना 18,000 का टारगेट थर्सडे तक। समझ में आ रहा है एनालिसिस, एकदम क्लियर है? टाटा मोटर्स क्लियर बाय है, बीपीसीएल क्लियर बाय है, निफ्टी को ऊपर जाने दो। कैश सेगमेंट में भले ही ट्रेड लेंगे, ऑप्शंस में कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड लेके नहीं जाएंगे, फ्रेश एनालिसिस लेंगे, कल सुबह करेंगे फ्रेश एनालिसिस, उसके बाद ट्रेड लेंगे, ठीक है। निफ्टी अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कैश सेगमेंट में, टाटा मोटर्स या फिर HDFC, ये सॉरी BPCL बाय करके लेके जाएंगे। मेरा तो बाइंग लेवल 840-850 है, ये तो अभी 817 तक पहुंचा है, बहुत इसको बाइंग को बहुत ताकत, बायर्स को बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है बायर्स को मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अभी तक 825 भी क्रॉस नहीं किया इसने, 825 भी क्रॉस नहीं किया। हाँ रिलायंस के कारण निफ्टी प्लस है, वही तो बात है, कल अगर रिलायंस 20 रुपए नीचे खुला, 50 रुपए नीचे खुला तो निफ्टी सीधा 17,700 के आसपास खुलेगा, इसलिए मुझे कैरी फॉरवर्ड ऑप्शंस राइटिंग नहीं, ऑप्शंस का ट्रेड नहीं देना है। समझ में आया? कल चाहिए तो फ्रेश एनालिसिस करके ट्रेड लेंगे वो चलेगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड ऑप्शंस का ट्रेड लेके नहीं जाएंगे। वी विल टेक सम स्टॉक ट्रेड, स्टॉक ट्रेड ले लेंगे, कैरी फॉरवर्ड ऑप्शंस में नहीं लेके जाएंगे। ये सब प्लॉट कर लेते हैं हम लोग तो इजी रहेगा। Thank you.
टाटा मोटर्स चल रहा है और बीपीसीएल चल रहा है, ये दो ही स्टॉक है जो रडार पर है और सही तरीके से, मतलब बीपीसीएल तो काफी लंबा चलेगा ऐसा है। बीपीसीएल काफी लंबा चलेगा, ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ बीपीसीएल में ट्रेड आ रहा है, वेट 1 मिनट। वेट 1 मिनट, 820 तो क्रॉस किया है, ठीक है, वेट वेट करो थोड़ा सा। जैसा हमें मूवमेंट चाहिए या हमारा एक्सपेक्टेशन था वैसा मूवमेंट नहीं है, थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक्स में एक बीपीसीएल में ट्रेड बन रहा है, लेकिन मुझे हिंडालको का थोड़ा सा ट्रेड का ये हो रहा है कि हिंडालको थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। हिंडाल को 425 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बस 425 के नीचे नहीं जा रहा ना तो चलेगा। ठीक है, 822 क्रॉस किया इसने, चलो अच्छी बात है, बीपीसीएल एक चलेगा। टाटा मोटर्स भी 490 क्रॉस कर रहा है, विच इज वेरी गुड साइन, टाटा मोटर्स भी चलेगा। यस बीपीसीएल कैश सेगमेंट में बाय कर सकते हैं, कैश सेगमेंट का मैं ट्रेड दे देता हूँ, बीपीसीएल कैश सेगमेंट में बाय कर सकते हैं। मैकडॉवेल देखते हैं एंड ये देखते हैं क्या बोलते हैं, naukri.com, ठीक है, मैकडॉवेल भी देखेंगे जरा। नहीं मैं टाटा मोटर्स में थोड़ा वेट करेंगे, 490 के ऊपर बाई करेंगे। चला निफ्टी चला, यस निफ्टी चला, निफ्टी चला है, बैंक निफ्टी भी चला है, बैंक निफ्टी का एमटीएम इंक्रीज हुआ होगा, चेक कर लो जरा, बैंक निफ्टी का एमटीएम इंक्रीज हो रहा होगा, चेक कर लो जरा, 10,000 के ऊपर गया क्या एमटीएम? 10,000 के ऊपर जाना चाहिए एमटीएम बैंक निफ्टी का। एट 25 क्रॉस किया, 850 क्रॉस नहीं किया है, वरना मैं ट्रेड दे देता। वेट ऑन मिनट, बैंक निफ्टी का ये इंक्रीज होगा, यस बैंक निफ्टी। बीपीसीएल में ऑप्शंस में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है क्या? नहीं रहता है, नहीं रहता है, लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। एक ट्रेड एल्गो के हिसाब से आ रहा है निफ्टी में, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है और कुछ नहीं, वरना मैं आपको दे दूं, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, ठीक है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं दे देता हूँ, दोज हु आर इंटरेस्टेड वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड आप थोड़ा इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रेड है,
ऑप्शंस राइटिंग का ट्रेड है, ऑप्शंस बाइंग का नहीं है, ऑप्शंस राइटिंग का ट्रेड है। एक सेकंड, मैंने एक मैसेज किया, मैसेज मिला है क्या, चेक करो जरा। चेक करो मैसेज मिला है, एक ऑप्शंस राइटर्स के लिए एक ट्रेड दिया मैंने, चेक करो। यस, जिसको लेना है ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा बट रिस्की है, ज्यादा बड़ा क्वांटिटी मत करना, ठीक है। ये निकला है, ये रेंज से बाहर निकला है, ये जाएगा ऊपर, रेंज से बाहर निकला है, ये जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो सर आशीष, मिस्टर धीरज, जितने भी लोग हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी गलती से भी शॉर्ट मत कर लेना, ठीक है, शॉर्ट नहीं करना है हमें। शॉर्ट मत कर लेना, ट्रेड मिला ना निफ्टी का ऑप्शंस राइटिंग, प्लीज रिप्लाई, ऑप्शंस राइटिंग का ट्रेड मिला निफ्टी का, प्लीज कंफर्म। रिसीव, ठीक है, कल गैप अप का तो मुझे नहीं लग रहा फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि 17,848.50 के आसपास क्लोज होता ना तो ये गैप अप होने के चांसेस थे, ठीक है। कल थोड़ा सा फ्लैटिश टाइप ओपनिंग हो सकता है, ज्यादा कुछ ऊपर भी नहीं, ज्यादा कुछ नीचे भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट एट द मनी ऑप्शन वो सेल दिया है, क्योंकि उसमें थीटा डी के टाइम वैल्यू ज्यादा है, तो कल लेट से 15 पॉइंट भी अगर प्लस खुलता है ना तो भी वो ऑप्शन सीधा 50 रुपए के नीचे खुलेगा, इसीलिए मैंने दिया है, ठीक है। मिस्टर आशीष, मिस्टर धीरा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको समझ में आया ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड क्यों दिया है। अगर ये 848.50 के आसपास क्लोज होता तो मैं ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड पक्का, ऑप्शंस बाइंग ट्रेड पक्का देता, लेकिन ये हमारे लेवल के हिसाब से ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से क्लोजिंग नहीं हुआ, सॉरी ट्रेड नहीं, क्लोजिंग नहीं हो रहा उसके हिसाब से। यस, ऑप्शंस राइटिंग का ट्रेड दिया है, और कोई ट्रेड मैंने नहीं दिया अभी, ठीक है, एक ही ऑप्शंस राइटिंग का ट्रेड दिया है, ठीक है, कैरी में सिर्फ वो ही करके जा रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे, और बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी ओपन है, करेक्ट, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी ओपन है, ठीक है। कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग वेबिनार में, और व्हाट्सएप पे थोड़ा एक्टिव रहना, कुछ भी ट्रेड रहा, कुछ भी अपडेट रहा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। कल सुबह मॉर्निंग में 9:30 को मॉर्निंग वेबिनार में मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।